गाइस यहाँ से स्टार्ट है म्यूजमा फिगर। यार बच्चे ये अंदर से भी बड़ा प्यारा लग रहा है ना, ऐसे क्या है, कौन सी बॉल्स हैं बाहर बाहर की आवाज अंदर नहीं आ रही, इको प्रोड्यूस हो रही है ना, पूरा फील है रहा मेरा बेबी है ना, हो रही है ना इको प्रोड्यूस। हेलो 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 निखिल, आई लव यू निखिल, है ना हो रही है ना, देखना सो ही गाइज, मैं आपको बता दूँ, हमने ना ऑनलाइन बुकिंग की थी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की टिकट्स की, बट हमें ऑनलाइन नहीं मिली। फिर हमें बोला कि वहाँ जाके क्या पता आपको मिल जाए, बट हमने यहाँ पे जब टिकट्स पूछी, यहाँ पे टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, सारी बुक थी। तो मैं आपको एक ना चीज़ समझाती हूँ, अगर आपको कभी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर आना है दुबई में, तो आपकी आपको इसकी टिकट्स पहले ही 2 मंथ्स पहले ही प्री बुक करवानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप एट अ टाइम टिकट्स लोगे तो आपको नहीं मिलेंगी। हमारे साथ भी सेम हुआ, तो फिर हमने उसका फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर किया एंड थोड़ा सा जो नीचे इनका आउटलेट था वो देखा, सामान वगैरह। तो चलिए आप एंजॉय करिए फिर। गाइस म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की टिकट है 150 दिरहम। बहुत ही प्यारा बना हुआ म्यूजियम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब दिल खुश हो गया देख के। तो अभी बहुत थक चुके हैं, अभी कुछ खाएंगे तो आपसे मिलते हैं सीधा वहीं पे। अभी हम वापस से मेट्रो ले रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स। अब हमने सुना है कि ये वाला मॉल भी बहुत काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हम इसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। टाइम बचा हुआ और हमारे पास काफ़ी टाइम बचा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मॉल ऑफ एमिरेट्स एक्सप्लोर करें, आपको भी घुमाते हैं अंदर से, और फिर मैं लास्ट में ज़रूर बताऊँगी कि दुबई मॉल अच्छा था या मॉल ऑफ एमिरेट्स अच्छा था। और एक और हमने देखा था नखील मॉल। चलो अब जाते हैं अंदर और आपको बताते हैं। तो गाइस ये है मॉल ऑफ एमिरेट्स।
बाय।